वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो आज का दिन कोई आप समझ लें कि क्रिकेट के ऊपर आफत का दिन नहीं हुआ है। बड़ी से बड़ी खबरें आ रही हैं। सुबह मैंने आप लोगों को अपडेट की कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कैप्टन बन सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले पहले तक। उसके बाद इंडिया से पड़ोसी मुल्क से बड़ी खबर आ गई कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, यंगस्टर को चांस दिया जाएगा क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो कंडीशंस हैं वो स्लो विकेट्स हैं। बहाने सुनो जरा, दिल करता है कि मैं क्या उनको बोलूं क्या। अलबत्ता ये बातें सामने आ रही थी, फिर एक गुड न्यूज भी सामने आई। जहां पे बैड न्यूज आ रही थी वहां पे गुड न्यूज ये थी कि 14 महीने के रिहैब के बाद एक क्रिकेटर मौत के मुंह से वापस आने के बाद, शानदार किस्म की रिकवरी करने के बाद ऋषभ पंत प्रॉपर तरीके से फिट हो चुके हुए हैं। विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं और उनकी सारी की सारी पूरे फैंस की नजरें हैं आईपीएल के ऊपर कि ऋषभ पंत कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। अगर ऋषभ पंत परफॉर्मेंस करके दिखा पाए, हर मैच में विकेट कीपिंग कर पाए तो वो वर्ल्ड कप में जैसे कहते हैं सिलेक्ट भी हो जाएंगे। जय शाह ने कंफर्म किया कि अगर वो विकेट कीपिंग कर लेंगे तो वर्ल्ड कप टीम का पार्ट होंगे। बहुत ही शानदार किस्म का खिलाड़ी है, तो ये गुड साइन है। मुबारकबाद हो ऋषभ पंत को, उनकी फैमिली को। बड़ा टफ टाइम उन्होंने देखा, बड़ा कुछ उन्होंने फेस किया, फाइनली इस चीज से वो लोग रिकवर कर गए। मेरे साथ मौजूद है भाई और शमीर भाई। अब्दुल्ला भाई जरा बिजी आजकल, तो उनके साथ रब्ता दोबारा से कर लेंगे। अलबत्ता जो अपडेट आई है इनके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो कहानी चल रही है उसके अंदर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का समर पूरा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। पैट कमिंस हमेशा की तरह हीरो साबित हुए। एलेक्स कैडी मिचेल मार्श ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और आयरलैंड की अब सीरीज शुरू होने जा रही है। उधर श्रीलंका ने बांग्लादेश को T20 सीरीज हरा दी। नागिन डांस जो था श्रीलंका ने कर लिया। अलबत्ता ये तो कहानी चलती जा रही है। पीएसएल का आज आखिरी मैच है, मुल्तान वर्सेस क्वेटा का मैच है। जो जीतेगा वो खेलेगा के साथ क्वालिफाइड वन, और जो जिसको फायदा इस मैच का ये है कि जो भी टीम आगे पहुंचेगी उसको दो चांस मिल सकते हैं। अगर वो क्वालिफाइड वन हार भी गई तो उनके पास एक बैकअप चांस होगा। तो आईपीएल भी शुरू होने वाली है, आईपीएल की भी तैयारियां रूझों पे है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का भी एंड होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी अपडेट के साथ, विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं होंगे। रिजवान भाई सवाल आपसे ये नहीं है कि विराट कोहली का जो खबर आई है, मुझे ये बताएं आप विराट कोहली की इंपॉर्टेंस को जरा आप एक्सप्लेन करके मुझे बता दें, जरा लोगों को बता दें कोहली की इंपॉर्टेंस को। देखें मेरे नज़दीक विराट कोहली की हैसियत ऐसी है जैसे एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है। तो मतलब अगर रीढ़ की हड्डी ही एक जिस्म के अंदर नहीं है तो जिस्म जो है वो पूरा का पूरा बेकार है, तो वो डेड है, बल्कि डेड ही है। आपको पता है वो उठ भी नहीं सकता। तो जिस तरह से विराट कोहली की खिदमात हैं, जो स्टैट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मतलब एक नहीं दो नहीं तीन चार वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ द सीरीज भी बनना, वर्ल्ड कप को जितवाना भी, और अभी भी बैक टू बैक जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर भी शानदार जो है परफॉर्मेंस रही है, तो वजह समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअल वजह क्या है। अल्लाह करे वो वजह हमें समझ में आए जो आप अभी बता रहे थे कि स्लो पिचेस जो है ना वो बताई जा रही है। वो भाई जो मतलब एक जंगल में जो शेर होता है वो तो हर जगह पे शेर और बादशाह ही होता है। जो प्लेयर है ना, जो बड़ा प्लेयर है, जैसे विराट कोहली बड़े से बड़ा प्लेयर है, अगर आप टॉप 10 लें तो भी विराट कोहली उसमें पहले दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे। टॉप 3 ले लें तो भी विराट कोहली मेरी नजर में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ही है, और मैं तो पहला नंबर ही शायद अगर दूं विराट कोहली को। वो भले ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड्स हो, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हो, साउथ अफ्रीका की ग्राउंड्स हो, उनके बॉलर्स हो, इंग्लैंड की, इंग्लैंड का क्या हाल किया, चले खैर वो नहीं था, इंग्लैंड की वो हो ग्राउंड्स हो, उनका वो हो, न्यूजीलैंड, ये चार मुल्क जो है ना वो मतलब बड़े समझे जाते हैं। यहाँ पे क्रिकेट खेलना और इनके खिलाफ स्कोर करना वो ज़्यादा अहम समझा जाता है। तो इस बंदे ने किस मुल्क में जाके किस बॉलर के खिलाफ रनजों के अंबार नहीं लगाए हुए, भले वो पिचेस स्लो हैं, भले वो मीडियम है, भले वो फास्ट पिचेस है, बल्कि स्लो पिचेस पे खेलना तो कदरे आसान होता है। जो सब कॉन्टिनेंटल के प्लेयर हैं, जितने भी एशियाई प्लेयर्स हैं, वो तो ज्यादा महारत रखते हैं स्पिन पिचेस के ऊपर खेलने की और स्पिनर्स को। तो मैं इस बात को, ये मुझे हजम नहीं हो रही ये बात मानने के लिए, मैं तैयार कतई भी नहीं हूं कि ये रीजन है। रीजन क्या है अल्लाह जाने क्या रीजन है, लेकिन हम एज ए तमाशाई, एज ए फैन ऑफ विराट कोहली,
हम उनको वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए तो जितना तकलीफ विराट कोहली ने पाकिस्तानियों को दी है उतनी किसी को नहीं दी। हमारे लिए बड़ा जिसको कहते हैं आसान हो सकता है इंडिया को वर्ल्ड कप में हराना, क्योंकि 2021 के वर्ल्ड कप में कोहली का 50 था, 2000 अब इसको तो याद करना ही जिसको कहते हैं ना, तो इनकी बात है तकलीफ की बात है। 2023 का वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप जिसके अंदर MCG के अंदर हमारे तरह निकाल के रख दी थी, जीता हुआ मैच। मैं अगेन ये बात बोलूंगा, अगर उस वक्त विराट कोहली उस टीम का पार्ट ना होता, इंडिया की बड़ी बुरी तरीके से शर्म ना किस्म की हार होनी थी। उसको उसने आप लोगों की ईद में बदल दिया, दिवाली को आप लोगों की उसने डबल एक्साइटेड कर दिया विराट कोहली की उस परफॉर्मेंस की वजह से। किसी ने सोचा था? आप मुझे ये बताएं, आप लोग कह रहे हैं वो यंगस्टर जो है वो एनर्जेटिक है, तेज खेलते हैं, जो सिचुएशन थी, जो प्रेशर था, उस प्रेशर के अंदर जो तेज खेल सकता था वो सिर्फ और सिर्फ किंग कोहली खेल सकता था। अगेन कहूंगा सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तानी को कोहली से होती है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है, और वो मुझे लगता है ये BCCI को ना एक आदत है, BCCI के ये काम है, ये जब भी इन्होंने कुछ करना होता है ना, ये ना किसी ना किसी के थ्रू ना बात लीक करवाते हैं और ना लोगों का रिएक्शन देखते हैं, लोगों का रिएक्शन किस तरफ जाता है। अगर तो लोगों का रिएक्शन के ऊपर दोबारा से अटैक हो जाए तो वो आके नहीं नहीं ये अफवाह थी, लोगों ने फैला दी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा ये है, ऐसी एक आपको याद है रोहित शर्मा से भी रिलेटेड बात चली थी कैप्टनसी से रिलेटेड, उसके बाद कैसे उसको रिकवर किया गया जब लोगों का आया। अब दोबारा से विराट कोहली के ऊपर बात आ गई, रिकवर करेंगे, लेकिन सवाल ये आता है ऐसा सोचा भी तो सोचा भी कैसे, इम्पोर्टेंस ऑफ विराट कोहली, शमीर साहब जरा बताएं। भाई बात यह है कि विराट कोहली वो प्लेयर है कि जिसको आप कहो ना कि इंडियन टीम में बहुत पहले लेजेंड का टैग मिलने वाले कम प्लेयर्स में से है विराट कोहली। और बात यह है कि काफी लोगों के लिए ना इंडियन सपोर्टर्स हो गए, पाकिस्तान सपोर्टर्स हो गए, क्रिकेट का मतलब विराट कोहली है। हम लोगों में से कई लोगों ने क्रिकेट देखना तब शुरू किया जब से विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखी है। तो विराट कोहली की जो रिजर्वी इंपोर्टेंस बताई कि रीढ़ की हड्डी वाली, तो रीढ़ की हड्डी वाली इंपोर्टेंस तो बिल्कुल है, लेकिन विराट कोहली के बगैर आप इंडियन टीम को, मतलब सबको पता है कि एक ना एक दिन रिटायर तो होना ही है, लेकिन वो उसके बारे में इमेजिन करके भी ना कि विराट कोहली इस टीम में नहीं होगा तो एकदम से थोड़ा सा झटका लगता है। जैसे कि अभी हमने देखा टेस्ट सीरीज के अंदर विराट कोहली नहीं थे तो स्टार्टिंग में सबको यही लगा था कि भाई यहाँ पे अपना मजा नहीं आना, लेकिन वो तो चले लड़कों की परफॉर्मेंस थी। पर बात यह है कि वर्ल्ड कप के अंदर जो विराट कोहली की लीग के मैचेस है, जो उसकी पसंद के मैचेस है, और बात ये विकेट वाली बात तो बिल्कुल ही वो टोपी बनाने वाली बात है, यहाँ पे इसके बारे में कोई वो नहीं है ऐसा। पर इम्पोर्टेंस की बात की जाए अगर विराट कोहली की, तो विराट कोहली की इम्पोर्टेंस इंडियन टीम के अंदर बिल्कुल ना वो गाड़ी के अंदर टायरों वाली इम्पोर्टेंस है कि गाड़ी चल नहीं सकती बगैर टायरों के, वो वाला हिसाब है। इंजन आप कहते हैं इसको तो कोहली को बिल्कुल गाड़ी का, ठीक है, तो विराट कोहली की वो वाली इम्पोर्टेंस है। अब विराट कोहली के बगैर मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड कप सबसे बड़ी बताओ चीज के लोगों ने बात तो निकाल दी, ऐसा होना नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, किसी ने ये अभी रिकवर हो जाएगा, उसने आईपीएल में ऐसा सब पेलना है ना खुद ही सारे बोलेंगे। अलबत्ता ये मैं बात जरूर करना चाहूंगा, जो लोग ये सोच रहे हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि विराट कोहली वर्ल्ड कप में नहीं हो सकते, आपके वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप गिर जाएगी, आपका वर्ल्ड कप जो USA के अंदर जो उसकी आंख जो बनी हुई ना पहचान इमेज बनी हुई है वो कोहली के फेस से बनी हुई है, क्योंकि 266 मिलियन कितने होते हैं जरा लाख अंदाजा लगा लो, जो उसकी वो फॉलोइंग है ना खाली इंस्टाग्राम के ऊपर है, मेसी रोनाल्डो उनके बाद जो स्पोर्ट्स के अंदर आता है वो कोहली आता होता है, तो उसकी बड़ी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और वो इमेज बना हुआ है क्रिकेट की USA के अंदर, USA में क्रिकेट नहीं चलती, कोहली उसकी पहचान बना हुआ, पूरी की पूरी वर्ल्ड कप की जो कैंपेन है विराट कोहली के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये हो ही नहीं सकता। अलबत्ता जिन्होंने भी ये न्यूज फैलाई है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फैंस को तंग करने के लिए, क्या पता BCCI चाहता हो ऐसा करना, लेकिन वो लोगों का रिएक्शन देखना चाह रहा हो और रिएक्शन उनको नजर आ गया होगा, और हमारा भी मकसद यही था कि हम लोग भी इसके ऊपर जैसे कहते हैं ना अपना कंसर्न शो करें, ताकि जो लोग ये सोच रहे हैं वो ऐसा ना सोचे। विराट कोहली आपकी टीम, बेशक हमारा आपकी टीम से क्या लेना देना, लेकिन एज अ जैसे कहते हैं ना प्लेयर हम उसको बड़ा ज्यादा रेट करते होते हैं, उसके बगैर तो इंडियन टीम के मैचेस मैं बड़ी मुश्किल से देखता होता हूँ, बेशक इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, लेकिन जब कोहली खेल रहा होता है ना तो अलग ही मजा होता होता है, अलग ही वो एक वाइब सी आती होती है। देखिए भी मेरा यहाँ पे ना एक ये मानना भी है कि न्यूज जो फैली है ना ये एक आवाम के रिएक्शन आपने कहा ना, वो मुझे लगता है फ्यूचर प्लानिंग के तौर पर भी फैलाई गई हो, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि विराट कोहली का प्लान बन रहा हो, क्योंकि अब भी सारी जिंदगी तो नहीं खेलना। देखिए T20 वर्ल्ड कप के बाद आप रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों का वर्ल्ड कप तो जरूरी है, वो लाजमी है, उसके बाद आपके पास 2 साल का टाइम होगा, आप न्यू टीम बना सकते हो, उसमें पूरा आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिहाज से ये वर्ल्ड कप आपका 2 महीने बाद तो वर्ल्ड कप है, और
ये भी आप चीज मैटर करती होती है, लास्ट वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन गेटर विराट कोहली, एशिया कप का हाईएस्ट रन गेटर विराट कोहली, यही नहीं, ये तो खाली T20 फॉर्मेट, अगर हम वर्ल्ड कप 50 ओवर में चले गए तब भी विराट कोहली आपका हाईएस्ट रन गेटर था, आपकी बीजीडी ट्रॉफी के अंदर भी विराट कोहली आपका हाईएस्ट रन गेटर था, यही नहीं अगर आप बात करें पूरे साल की 2023 के, तो आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो भी विराट कोहली है, तो आप ऐसे उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। खैर ये तो कहानी होगी। ऋषभ पंत 14 महीने के रिहैब के बाद वापस आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, मतलब कि कैसा उनके जो कहते हैं ना किस माहौल से गुजर कर वो बंदा आ रहा है, वो ही जानता है कि इसने खतरनाक पड़ती है उसको पता होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए तस्वीर के ना दो रुख हमेशा से होते हैं। पहले थोड़ी सी बात विराट कोहली के बारे से और भी करना चाहूंगा। देखिए जो लोग मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है, जरूर है। एक बात जो है वो इतने अरसे से एक बंदा मेन बंदा क्रिकेट के अंदर इन नहीं है, और खबरों के अंदर भी मुतजाद खबरें जो है मिल रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर है जो कि एक दिन सामने आ जाएगी। देखिए जो लॉबी अगर ऐसी है ना जो कि इनको पीछे करना चाह रही है और बाकी कुछ लोगों को आगे करना चाह रही है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि अभी तो टीम इंडिया जो है ना वो 4 टेस्ट सीरीज 4 टेस्ट जीती है, ठीक है, अभी तो तस्वीर का ये हुआ कि अभी तो वो जीत रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। हकीकत में ये होता है कि एक कोई वेस्ट इंडीज से ज्यादा अरूज जो है ना वो शायद ही किसी को, फिर टीम ऑस्ट्रेलिया का बड़े लंबे अरसे तक जो है ना वो दौर रहा अरूज का, फिर वो भी कहीं ना कहीं जो है वो जवाल का शिकार रहते हैं। अब अगर हम बात करें, अभी नो डाउट बहुत अच्छा स्क्वाड है, अरूज है टीम के ऊपर इंडिया का, लेकिन अगर आप मेन जो अरूज में लेकर आने वाले बंदे थे अगर आप उनको पीछे करेंगे, तो वो अरूज जो है ना आप ये मत समझे कि एक बंदे के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, एक बंदे से ही फर्क पड़ता है, एक बंदे की पॉजिटिव और ब्रेव जो एटीट्यूड होता है ना उसके पीछे सारे के सारे जो है ना वो बहादुर बन जाते हैं। जब वो खुल के खेलना और अच्छा खेलना शुरू करता है, परफॉर्मेंस देना शुरू करता है, जो दबे हुए होते हैं, जो लो परफॉर्मर होते हैं, वो भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। कोहली की हैसियत इस तरह की थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस लॉबी को जो है ना हमारी तरफ से भी हम 100% किंग कोहली के साथ थे, हैं और रहेंगे, उनको ही क्रिकेट के ऊपर होना, असल हीरो ही वही है इंडियन टीम के जब तक वो फिट है। अभी तो देखिए जो बैटर होता है ना उसकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा होती है क्रिकेट के अंदर, जो बॉलर होता है सारे जेम्स एंडरसन नहीं है जो कि 40 साल के करीब भी खेलते रहे, आपके सामने है बॉलर की लाइफ जल्दी खत्म हो जाती है, ये तो बैटर है। अगर टेस्ट नहीं भी खेलना तो T20 तो बहुत ही आसान है खेलना, T20 तो लंबे अरसे तक ये खेल सकते हैं, ODI भी खेल सकते हैं। रोहित की बात भी कर रहा हूं क्योंकि रोहित के हवाले से भी थोड़ी थोड़ी सी खबरें आ रही थी, रोहित और किंग कोहली लंबे अरसे तक, अभी मैं ये समझता हूँ 2-3 साल ये T20 भी खेल सकते हैं और ODI भी खेल सकते हैं। इसी आपने बात की, भी आपने एंडरसन की बात की, तो उसकी जैसा कहता ना एक लाइन याद आ गई, अभी पिछले दिनों जो मैच चल रहा था लास्ट टेस्ट मैच, जिसके अंदर उसकी शुभमन गिल के साथ ना सॉरी बहस हुई, दो मैमे हुई, उसने शुभमन गिल से कहा कि कभी बाहर इंडिया से बाहर भी रन कर लिया करो, जब शुभमन गिल आउट नहीं हो रहा था ना तो उसने आगे से कहा कि टाइम आ गया रिटायर्ड हो जा। दो बॉल गुजरी उसके बाद शुभमन गिल आउट हो गया एंडरसन के हाथों, तो एंडरसन ने इस बात को भी शेयर किया पूरे जैसा कहते हैं ना बाहर सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई थी। खैर एंडरसन को ना एक्सपीरियंस बड़ा है क्रिकेट का, वो एक लेजेंड, जैसे कि कोहली बैटिंग के अंदर माना जाता है वैसे बॉलिंग के अंदर एंडरसन का भी बड़ा नाम है, और बड़ी बात है कि उसने जैसा कहते हैं ना टैलेंट आप देखें कि प्रेशर में उसको क्रिएट किया, फिर उसके बाद उसको दो बॉलों के बाद आउट कर दिया, तो गिल ना आउट होता तो गिल की बल्ले बल्ले हो जाती, ना आउट होता तो होता 2002 में जाहिर है इसने करियर स्टार्ट किया अपना, तो 2003 में इंग्लैंड में ना वर्ल्ड कप था और वकार यूनुस की क्यादत में पाकिस्तानी टीम भी गई जो कि पहले ही राउंड में क्वार और जिगलर क्वार हो गया ना, तो बड़ा गंदा वर्ल्ड कप, तो ये जो था ना ये बंदा इन जमाव की सारी मेन विकेट, मुझे अभी मैं कहता यार ये बॉलर है क्या, क्योंकि उस वक्त तो नया नया आया था, मैं कहा यार ये बंदा तो उस वक्त वसीम वकार का एक नाम था, अरूज था उनका, और क्या कहते हैं मैग्रा का काफी सारे थे, श्रीनाथ भी थे मेरे ख्याल में और चबिंदा वास, ये काफी सारे उस वक्त बॉलर्स थे, तो इस बंदे ने आके जो तहलका मचाया ना उस वर्ल्ड कप के अंदर, जो बॉलिंग की है इसने 2003 के अंदर इतनी लंबी लंबी स्विंग के, यार उसी का जेन में आ गया था कि ये बंदा नाम जरूर पैदा करेगा, और 700 विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर दुनिया में वाकई है। अच्छा जी शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी खतरे में आ गई है, कुछ एक तबका पीसीबी का ये कहता है कि भाई अभी 2 महीने हुए हैं उसको कैप्टन बने, वैसे ना पंगे लिए जाए, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं
आपने रिजवान का हक मारा बाबर के बगैर, अगर बाबर के अलावा किसी को कैप्टन बनाना तो रिजवान बेस्ट ऑप्शन था, उसकी परफॉर्मेंस भी आता कैप्टन बड़ी शानदार रही हुई है, और ऊपर से सोने पे सुहागा शाहिन शाह अफरीदी का 2024 अच्छा भी तो नहीं ना चल रहा, 15 मैचेस एज कैप्टन और उसमें से 15 में से माशाल्लाह से वो सिर्फ और सिर्फ 13 मैचेस हारे हैं, तो इससे बंदा क्या कह सकता है कि सिर्फ 2 मैचेस वो जीता है बंदा अपनी कैप्टनसी के अंदर, इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है 2024 की। तो बड़े लोग बातें कर रहे हैं, अब आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड कप से पहले आपने अभी कैप्टन चेंज किया, क्या दोबारा से कैप्टन चेंज करना चाहिए? देखिए मैं समटाइम ना, हम जाहिर है एक आपका चैनल तो खैर बहुत बड़ा है लेकिन हम उसमें छोटे से वो बंदे हैं, लेकिन मेरी जो बात होती है ना बड़ी, मेरी तरफ से मेरा ना 30-35 साल का तजर्बा है, मेरी ऐसी बात है हो सकता है कभी ना कभी पकड़ी जरूर जाएगी क्योंकि वो सच होती है और सच हमेशा कड़वा होता है, इंसान को हमेशा ना लालच मरवाती है, जब भी इंसान को अल्लाह ताला जो है ना वो उसकी मेहनत के बदले कभी उतना फल या उससे ज्यादा फल दे देता है, ये पूरी दुनिया का मैं बता रहा हूँ, भले इंडिया हो पाकिस्तान हो कोई भी मुल्क हो, शाहिन शाह अफरीदी को बहुत ज्यादा अरूज मिल गया था, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी जो है इस टूर्नामेंट के अंदर लो लेवल का बॉलर भी जो है ना वो अब नहीं रह गया, उसको उस बंदे ने मारा है जिस बंदे के ऊपर उसकी खौफ की एक छाप थी, अच्छा प्लेयर वेट अगर उसको मारे तो समझ में आती है, लेकिन अगर वसीम जूनियर आखिरी गेंद पे उसको छक्का मार दे तो ये समझ में आता है कि उसकी जो लालच है कि मैं बैटिंग पहले करूं और बॉलिंग के ऊपर पूरी तवज्जो नहीं दे सका, उसको चाहिए था कि मेरी नजर में बॉलर कोई कैप्टन होना चाहिए, मैं अगर एक हूं फैसला साजी में कोई ना कोई किरदार अदा करने वाला, क्योंकि बॉलर्स के पास अग्रेशन जो है ना वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर बॉलर के दिल में ये लालच आ जाए कि मैंने जो है ना बहुत बड़ा ऑलराउंडर बनना है जबकि वो बिल्ट इन जो है ना वो ऑलराउंडर नहीं है, वो एज ए बॉलर है, तो उसको बॉलर ही रहना चाहिए था, बॉलिंग पे ज्यादा तवज्जो देके बॉलिंग से कारकर्दगी लेता और बैटिंग की तरफ तवज्जो ना देता। मजे की चीज ख्वारी हुई है, ख्वारी करवाई है उसने, और ये सारी की सारी उसके लालच की वजह से हुई है। आप कैप्टन बन के आप सेकंड डाउन आ रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, शादाब आ रहे हैं, ये कोई अपनी टीम है, मतलब आपकी अपनी टीम है कि जो मर्जी फैसले कर दे मेरे। सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का है चौथे पांचवे का प्लेयर, अभी तक वो मुझे कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा। अच्छा मजे की चीज ये कि जो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनता है वो तो रुल जाता है, और अब बाबर कैप्टनसी से हटे तो बाबर की अगर आप कैप्टनसी देखिए वो ऐसे ऐसे लो स्कोर भी डिफेंड करवा रहा है, उसकी कैप्टनसी अब ऐसी इंप्रूव होगी हुई, वो अलग ही बाबर नजर आ रहा है। इससे पहले जब शाहीन कैप्टन नहीं थे तो शाहीन की कैप्टनसी बड़ी शानदार नजर आती थी, तो ये पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनना भी कोई आसान चीज नहीं है, ये आपका दिमाग जिसको कहते हैं ना दही करके रख देता है। आज जो मैच चल रहा है क्वेटा वर्सेज मुल्तान का, 70 पे 2 आउट है, 10 ओवर का खेल हो चुका हुआ है, इस मैच में जो जीतेगा वो जलमी के साथ क्वालिफाइड 1 खेलेगा, और क्वालिफाइड 1 जो जीतेगा वो फाइनल के अंदर जाएगा, और जो हारेगा वो क्वालिफाइड 2 में चला जाएगा जो एलिमिनेटर से जीत कर आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जो भी जीतेगा उसको चांस मिल सकता है अगर वो क्वालिफाइड 1 हार जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोनों टीमें जोर लगाएंगी। मजे की चीज ये है कि लास्ट 4 मैचेस जो पीएसएल के हुए ना सारे आखिरी बॉल के ऊपर फैसला हुआ है, लास्ट बॉल के, और पीएसएल यकीन करें कि इस अभी तक जितने मैचेस हुए ना उसमें से 50% जो मैचेस है ना वो फाइनल ओवर तक गए और लास्ट 4 तो आखिरी बॉल तक गए। तो इसके लिहाज से मैं जो कमेंट्री के मैं समझता हूँ लेजेंड ही माने जाते हैं जो अभी आए हैं पाकिस्तान के, एन बिशप, वो भी उनके भी ट्वीट अगर आप देखें तो वो भी हैरान हो गए कि इतने क्लोज मैचेस मैंने नहीं देखे। और सबसे मजे की चीज ये है कि अगर आप देखें तो 4 में से 3 मैचेस जो थे आखिरी बॉल पे 3 से 4 रन चाहिए थे और चेज हुए, और उसके बाद कल वाला एक आखिरी मैच था जिसके अंदर एक बॉल पे 4 चाहिए था वो डिफेंड कर लिया बाबर आजम की टीम ने। तो मतलब कि हर चीज आपको देखने को मिल रही है, तो मुबारकबाद हो पीसीबी को, मुबारकबाद हो पीएसएल की मैनेजमेंट को, अगर आप ऐसे क्लोज मैचेस किसी लीग के करवाएंगे तो पूरी दुनिया ऐसे देखेगी, क्योंकि लोग देखते हैं कि एंड आखिरी ओवर में क्या हो रहा है, हाईलाइट्स आती होती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, इससे आपका ही ब्रांड की वैल्यू बनेगी। और मैं स्टैट्स देख रहा था पीएसएल 8 को पीएसएल 9 ने पहले 2 हफ्ते के अंदर ही बीट कर दिया था व्यूअरशिप के अंदर, और अब जो पीएसएल 9 की व्यूअरशिप चल रही है ना पीएसएल 8 की फाइनल तक की जो व्यूअरशिप थी उससे भी क्रॉस कर गई, अभी प्लेऑफ के राउंड शुरू नहीं हुए। तो पीएसएल 9 आपकी कामयाब हो गई, मुबारकबाद हो पीसीबी को, मुबारकबाद हो पीएसएल की मैनेजमेंट को कि फाइनली आपका जो ब्रांड है वो कामयाब हो गया। इसमें इंप्रूवमेंट की सिर्फ यही जरूरत है कि बड़ा मेहरबानी कोई चच के फॉरेन प्लेयर्स लेकर आओ, इसको इंप्रूव करें, क्योंकि मैं अभी भी याद कर रहा हूं जब पीएसएल 2 और पीएसएल 3 चल रही थी ना, तो उसको आपके पास टीम के
अंदर होते थे जेपी डुमनी साउथ अफ्रीका के करंट प्लेयर, एवन मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन, ब्रेंडन मैकेलम न्यूजीलैंड के कैप्टन, ल्यूक क्रोनकी इसी के साथ साथ केविन पीटरसन, शेन वेटसन, ब्रैड हेडन, यही नहीं आपका जो वो क्या कहते हैं अभी इंग्लैंड का बड़ा मेन बॉलर बनता है जोफ्रा आर्चर जो वो अभी इंजर्ड हुआ है वो भी पीएसएल खेलता था, बड़ी पीएसएल पीक पे थी, बड़े 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 नाम होते थे, लेकिन इनको इन्होंने गलती क्या की पीएसएल की जो शुरू में एक आपकी वैल्यू थी ना कि इतने आपको मिलियंस डॉलर मिलने हैं वो हर लीग के सालाना भरते जा रहे हैं, पीएसएल के अभी तक उतने ही डॉलर है, यहाँ से मार ये लोग खा गए हैं, अगर ये लोग अलाउ करें ना थोड़ा सा इंक्रीज करना तो क्यों ना फॉरेन प्लेयर आए, तो ये बड़ा जरूरी चीज है। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा, रमजान शुरू हो चुके हुए हैं तो आपकी जो हमारी जो वीडियोस की टाइमिंग है वो भी थोड़ी डिफरेंट ही हुआ करेंगी, आगे से आईपीएल भी शुरू हो रहा है उसका भी फुल प्लान चल रहा है, पीएसएल के फाइनल्स आने वाले हैं इसका भी बड़ा हैवी किस्म का प्लान है, तो फिलहाल के लिए जल्द ही इंशाल्लाह फिर आ दिन होंगे, तब तक के लिए।